जाको राखे साइया मार सके न कोई, मौत के मुंह से जिंदा बचा युवक, आपको हैरान कर देगी कहानी। ये विजुअल्स जितना हैरान कर देने वाला है, इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही हैरान कर देने वाली है। विजुअल्स को देखकर कोई ये अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि 11,000 वोल्टेज की तारों पर झूलता ये शख्स जिंदा बचा होगा। लेकिन इस कहानी में भी वो ही कहावत फिट बैठती है कि जाको राखे साइयां मार सके न कोई। आपको बता दें कि ये विजुअल्स वाराणसी के चौक क्षेत्र में ब्रह्म नाल इलाके का है। तारों पर लटक रहे व्यक्ति का नाम मयूर है। इस बारे में मयूर की पत्नी का कहना है कि सुबह अचानक घर के बाहर धमाके की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो मयूर तारों पर झूल रहा था। मैं नीचे सोई थी और ब्लास्ट होने की आवाज हुई तो विंडो में से देखा तो इनका ऐसा वायर पे झूल रहे थे ये। फिर मैं नीचे जाके देखी तो पापा को बताया मैंने कि पापा देखिए क्या हो गया है बाहर, वो लटके हुए, वो टेरिस पे से सीधा नीचे आए थे। तो कैसे गए, क्या हुआ, वो हम लोग को नहीं पता, सो रहे थे। आपको बता दें कि मयूर 45 मिनट तक तारों पर झूलता रहा और जब उसे उतारा गया तो उसकी सांसें चल रही थी और इतनी ऊंचाई से गिरने पर भी उसे कोई चोट नहीं आई। वहीं इस बारे में मयूर का कहना है कि उसे दौरे पड़ते हैं और वो छत से कैसे गिरा इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। मुझे फिट का प्रॉब्लम है, फिट के सिम्टम्स है जो रिपीट होते रहते हैं, विदिन द कभी 15 डेज में हो जाता है वन। ज़्यादा वीकनेस रही तो वो 10-12 डेज में भी हो जाता है, फिर वो विदिन वीक में हो जाता है। वाराणसी की इस घटना से साबित हो गया है कि जिसको बचाने वाला खुद भगवान हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वाराणसी से विपिन मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesari.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।